ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहे, तुम बच्चों को सबसे पहला निश्चय यही होना चाहिए कि स्वयं निराकार भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय होगा तो उसकी निशानी है कि सदा खुशी में रहेंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, एक तरफ दुनिया में मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बना रहे हैं कि नई दिल्ली बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, लेकिन साथ साथ दूसरी ओर तैयारी कर रहे हैं महाविनाश की, सब भस्मीभूत करने की। तो बाबा कहे, जैसे कहावत है, नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और, बाप का प्लान अलग है, कुदरत का प्लान कुछ और है, मनुष्य का प्लान अलग है, नया भारत बनाने का, और बाप का प्लान नया भारत बनाने का कुछ और ही है। तो सुनते हैं आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवान वाच ही सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर है, इस समय सभी प्लान बनाते हैं कि इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारी मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और, भाई कुछ और ही की और, बाप का प्लान अपना है, मनुष्य का प्लान अपना है, दोनों का प्लान अपना अपना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। निराकार भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहां कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है। निश्चय तो जरूरी है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कहे, जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं, कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक ये निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठे भी कुछ नहीं समझते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। लोगों ने यही पुकारा, हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, ये हमारा लौकिक बाप है, ये हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने,
बाकी मनुष्य है देह अभिमानी, उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। यह ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले ये निश्चय कराते हैं। क्या कराते हैं? भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्म निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। यही सहज राजयोग है कि देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्म निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह न सके। यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सच खंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सच खंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी क्या बन गए? बाबा कहे, एक समय सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे, अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहां सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहां भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरन की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दुबन का राज्य, हर कोई गले तक डूबे हुए हैं। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, ये होगा, होता कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है, क्या कहावत है, नर चाहत कुछ और की और भई। बाप कहते हैं ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहां कोई किंग क्वीन हो, जहां कोई महाराजा महारानी हो। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, ये कोई राज्य थोड़ी हुआ। इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानता। बाबा कहे, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो अपने धर्म को ही नहीं जानता। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था, अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं, उन्हों को है बाहुबल की मदद, तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलवेड बाप है, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहां कभी दुख की, रोने आदि की बात ही नहीं है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, न तो आजकल के मुआफिक 4-5 बच्चे पैदा होते हैं। बाबा कहे, वो दुनिया कितनी सुंदर थी, कोई दुख नहीं, रोने आदि की बात नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं, ना तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए कुछ नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। एक तरफ कहते हैं खाने के लिए नहीं है, बर्थ कंट्रोल करो। नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और। समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है,
परंतु है कुछ भी नहीं, मौत सबके गले में पड़ा है, मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं यह तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसल है, द्रौपदी का भी मिसाल है ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बाप को तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती है कि यह हमको मारते हैं। तुम जानते हो ये काम महाशत्रु, तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवान वाच, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। बाप कहते हैं पवित्र बनो तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? यह एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं मेरे खातिर पवित्र बनो। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म ये नहीं छोड़ सकते हो, ये विष नहीं छोड़ सकते हो? इतना प्यार से बाबा पूछते हैं। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी है। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, वह हेवन स्थापन करने वाला वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बाप बैठ पढ़ाते हैं। परंतु क्या, जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे, तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रही है, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है, उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते माथा टेकते सब पैसे गंवा दिए हैं, अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं, खाने के लिए अन्न नहीं। अब कहते बच्चे कम पैदा करो, ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके। अब कहे यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि काम महाशत्रु है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे, कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है कि गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, भगवान एक है, ये एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहां रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है, इतने जो करोड़ों मनुष्य है ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहां बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए ही है इसलिए ले जाने। जब तक ये नहीं समझते हैं तब तक स्वीट होम और सुख धाम
याद पढ़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता, मैं ही कालों का काल हूं। इतना अच्छी रीति समझाते, परंतु वंडर है इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर वन थोड़ी होंगे, यहां भी नंबर वार है। सबको समझाना है बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबर वार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहे बाकी सब विनाश हो जाएंगे, मनुष्य की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती है। बाप कहते बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गाते तो है खुदाए खिदमतगार, वास्तव में वह है जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम हो, भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सेल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो, शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। बाबा कहे गुप्त बाबा का ये कार्य, शिव बाबा गुप्त है तो उनकी सेना भी गुप्त है। शिव शक्ति पांडव सेना। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है, बाकी सब है झूठी कथाएं। इसलिए कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल, मैं जो समझाता हूं वही सुनो। बाबा हम बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं कि बाबा जो समझाते हैं वही हमें सुनना है और कुछ नहीं। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। इस यूनिवर्सिटी के लिए ये मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे, जो योग युक्त होंगे वह आकर रहेंगे। इन आंखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। शुरू में दिव्य दृष्टि से देखा, बाबा कहे अंत में प्रैक्टिकल इन आंखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो न सके। मेहनत है, ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? बाबा कहे ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पौत्र पौत्रियां हैं। ये अब भारत को स्वर्ग बना रही है। ये रूहानी सोशल वर्कर्स है, सभी रूहानी सोशल वर्कर है जो दुनिया को पावन बना रही है। कौन सी सोशल सेवा कर रहे हैं? सारी दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ये प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है, ये चक्र फिरता रहता है। ये दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो एविल सी नो एविल टॉक नो एविल थिंक नो एविल डू नो एविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योगयुक्त बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुप्त करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुप्त करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहां ही सब हिसाब किताब चुप्त होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहां न कहां निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुप्त करो। इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है। चुप्त करने में उन्नति ही होनी है। आज का स्लोगन है, बाप ही संसार है। सदा इस स्मृति में रहना है, यही सहज योग है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य साथ में है, जिसमें विशेष टॉपिक जो मम्मा ने चुना है, अजपा जाप अर्थात निरंतर योग अटूट योग। अजपा जाप अर्थात निरंतर योग अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूं। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली है। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है, मन मना भव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना है। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। संपूर्ण बाबा की याद में रहना, इसी को ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है उन्हों को योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। योगी अथवा योगिनिया कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तब ही विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट हो और आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताएं प्रालब्ध मिले। अब ये चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। बाबा कहे यह है सच्चा ज्ञान,
इस ज्ञान से ही सच्चा योग लगता है। इसलिए कहा जाता है बिना ज्ञान के ध्यान नहीं, ज्ञान से ही ध्यान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।